welcome to my channel Simple Beauty with Nilanjana and I'm Nilanjana. So आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कंटेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड रिसेंटली मैंने सोचा है मैं ऐसे कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देगी ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आप लोगों को सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द पावर ऑफ मेकअप ये चैलेंज में मैं अपने राइट हैंड साइड की जो फेस है इसमें मेकअप करूंगी एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मैं कोई भी मेकअप नहीं करूंगी सो दैट आपको डिफरेंस दिखेगी एंड उसके साथ ही आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक मेकअप ट्रिक्स एंड हैक्स भी दिख जाएगी जो कि आप लोगों के रेगुलर लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने के लिए देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हेल्पफुल लगे इंटरेस्टिंग लगे एंड आप लोग एंजॉय करो इस वीडियो को देन प्लीज मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हो आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे वीडियोस देखना है देन मेक श्योर डू सब्सक्राइब माय चैनल जो कि टोटली फ्री है उसके लिए आपको क्लिक करनी पड़ेगी नीचे की रेड सब्सक्रिप्शन बटन में उसके ही बगल में टिंग टिंग वाली छोटू सा बेल आइकन आएगी उसको भी क्लिक कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी उन सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है पहले आपके पास पहुंच जाएगी सो फ्रेंड्स विदाउट फर्दर ड्यू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइस फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन की मास्टर प्राइम प्राइमर इन द शेड 100 ये प्राइमर जो है आपके फेस में अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छे से वो आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करती है ऑल्सो क्रीम पे आई मीन फॉर्म में आती है सो आप देख ही पाओगे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एंड मेरे सारे जितने भी ओपन पोर्स है बहुत ही अच्छे से ये उसको मिनिमाइज कर देती है एंड ऑल्सो मेरे स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग दिखती है इस प्राइमर के हेल्प से सो इसके बाद मैं आज यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड डेजर्ट बेज ये फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ऑल्सो मैटिफाइंग लुक देती है एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड आप बोल सकते हो मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन में ये एक नंबर पे है सो इसको मैं अपने फुल फेस में नॉट फुल फेस में मेरे राइट हैंड साइड में मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं पैक की ये वाली ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करी है उसको मैंने डैम्प कर लिया था उसके बाद ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है ये ब्यूटी ब्लेंडर बाय द वे अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कुछ अच्छा खासा ब्यूटी ब्लेंडर खरीदने की देन आप इसको खरीद सकते हो बहुत ही अच्छा है सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वेल की फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड मीडियम टॉनी ये भी बहुत ही अच्छा खासा एक कंसीलर है अफोर्डेबल रेंज में सो इसे मैं अपने अंडर आई जोन जहां पे भी मुझे हाईलाइट करना है एक्चुअली मैं वहां पे थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेबलिन की फिट मी लूज पाउडर इन द शेड 25 मीडियम मॉयल सो जल्दी जल्दी मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ ताकि मेरी जहां पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहां पे कोई भी आई मीन क्रीज ना आए सो नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को फिल करने वाली हूँ मेबलिन के आई स्टूडियो जेल लाइनर के हेल्प से ये बहुत ही अच्छा खासा मल्टीपर्पजली यूज करने की आई मीन प्रोडक्ट है एंड जेल फॉर्म में आती है सो लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड बहुत ही अच्छे से आईब्रोज को फिल भी कर देती है सो फर्स्ट मैं अपने स्पूली की हेल्प से मेरे आईब्रोज को कॉम्ब कर लूंगी एंड इसके बाद मैं एक ऐसी आईब्रो ब्रश लूंगी जिसके हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ करूंगी सो इससे मैं जेल को ले लेती हूँ
से मैं इस स्पूली ब्रश के हेल्प से कॉम कर लूंगी। इससे जितने भी एक्सेस प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एंड मैं अपने आईब्रोज को थोड़ा सा क्लीन अप करूंगी सेम कंसीलर के हेल्प से। इसके बाद तो मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी ऐसी एक आई शेडो पफी ब्रश के हेल्प से। आप चाहो तो आपके फिंगर के हेल्प से भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ कंटूरिंग। एंड फॉर दैट मैं आज यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। एंड इसकी जो पैन है ये भी हिट हो चुकी है, आप देख पा रहे हो। बहुत ही ज्यादा मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। पैलेट में आपको दोनों शेड ही मिल जाएगी, एक हाईलाइटर शेड एक कंटूरिंग शेड। तो मैं कंटूरिंग शेड को थोड़ा सा ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं इससे जो हाइलाइटर शेड है बनाना शेड इसको थोड़ा सा ले रही हूँ, पिकअप कर रही हूँ। एंड मैं अपने चीक एरिया में जहाँ पे कंटूर किया है इसको और भी ज़्यादा शार्प दिखाने के लिए मैं इस सेम हाइलाइटर से यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ब्लशर। फॉर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की कलर शो ब्लशर इन दी शेड फ्रेश कोरल। बहुत ही ज़्यादा पिंकी काइंड ऑफ ब्लशर है, नेचुरल बहुत ही है, इसकी जो शेड है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। सो इसको मैं पिकअप कर लूँगी। एंड मेरी जो एप्पल ऑफ द चेक्स है यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ मेकअप रिवोल्यूशन की स्ट्रोब हाइलाइटर इन दी शेड रेडियंट लाइट। एंड ये बेक्ड हाइलाइटर है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइज, बहुत ही सटल लुक देती है। लेकिन अभी ओपन नहीं हो रही है, मैं ओपन नहीं कर पा, थैंक गॉड ये ओपन हो चुकी है। एक फैन ब्रश के हेल्प से मैं थोड़ा सा हाइलाइटर को ले लूँगी, एक्सेस जितना भी है डस्ट ऑफ कर रही हूँ। एंड मेरी एप्पल ऑफ दी चिक्स के ऊपर जहाँ पे मेरी जो चिक बोन है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। तो आप शाइन देख पा रहे हो, कितना अच्छा नेचुरल शाइन है इसकी। थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड की एरिया में भी अप्लाई करूंगी। बहुत ही मुझे ये हाइलाइटर पसंद है, बहुत ही कम मैं यूज करती हूँ इसलिए। मैं अपने ब्रिज अप नोज एरिया में भी इसको थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। मेरे क्यूपिड बो एरिया में एंड मेरे चिन एरिया में। सो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ मेरी आई मेकअप। एंड फॉर दैट मैं यूज करने वाली हूँ एले कलर्स की स्वीट 16 आई शेडो पैलेट इन दी शेड ब्रेव। सो इस आई शेडो पैलेट से मैं ये वाली जो शेड है ब्राउन शेड इसको पिकअप कर रही हूँ एंड मेरी जो अपर क्रीज लाइन है यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी। अगर आपकी आईज भी मेरी तरह हुडेड है, बहुत ही छोटे हैं, मतलब आई मेकअप आप कर रहे हो उसके बाद आपकी जो आई मेकअप है वो छुप जाती है, सो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा ट्रिक है। इसके लिए आपको हमेशा ही आपके जो अपर क्रीज लाइन है यहाँ पे आपको आई शेडो को अच्छे से अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है। एंड मैं सी शेप में मेरी जो आउटर वी पोर्शन है यहाँ पे भी सेम आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ।
तो नेक्स्ट मैं पिकअप कर रही हूँ ये वाली जो पिंकी काइंड ऑफ शेड है इसको, एंड मेरे क्रीज लाइन से लेके मैं अपने आउटर थर्ड पोर्शन में इसको अप्लाई करूंगी। सो नेक्स्ट गाइस मैं ये वाली जो आपको हाईलाइट शेड दिख रही है ये वाली हाईलाइट शेड मैं इसको पिकअप कर रही हूँ। ये शैम्पेन कलर की एक्चुअली शेड है। इस शेड को मैं अपने आईज की जो इनर थर्ड एरिया है यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं एक ब्लेंडिंग क्लीन ब्रश ले रही हूँ एंड फेदर आउट कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो ना विजिबल हो। सेम आई शेडो पैलेट से मैं ये वाली जो पिंक शेड है इसको पिकअप कर रही हूँ एंड मेरी जो लैश लाइन है लोअर लैश लाइन यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी। एंड नेक्स्ट मैं ये वाली जो शेड है शैम्पेन कलर की हाइलाइटर शेड इसको पिकअप कर रही हूँ एंड इसको मैं अप्लाई करूंगी मेरी जो टियर डक्ट एरिया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ NYBAKE की लिक्विड लाइनर। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज की एक अच्छा खासा आईलाइनर है। सो अभी मैं बहुत ही थिन विंग आईलाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट मैं आईलैश कलर के हेल्प से अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन की द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मास्कारा। ये मास्कारा बहुत ही अच्छा खासा मास्कारा है एंड मेबलिन की हर एक मास्कारा बहुत ही ज्यादा अच्छा होती है। सो ये मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन आईलाइनर पेंसिल। इसके शेड नंबर है कॉलिंग योर बफ। ये रोज नेचुरल न्यूट काइंड ऑफ शेड इसकी है एंड इसको यूज करने से आपकी आईज जो है और भी ज्यादा बिगर दिखते हैं। फॉर लिपस्टिक मैं आज यूज कर रही हूँ स्टेकोर्की की बैड एस बुलेट लिपस्टिक एंड इट इज इन द शेड सेट नंबर 11 कंसिक्वेंस ऑफ लस्टी अफेयर। एंड नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ लॉरियल की इनफॉलियबल मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड मैं अपने हाफ इस एरिया में ही यूज करूंगी इसको। सो गाइज मेरी मेकअप कंप्लीट हो चुकी है। सो आप देख पा रहे हो मेरी जो राइट हैंड साइड की फेस है कितना ज़्यादा प्रिटी दिख रही है। सारे जितने भी लाइक ब्लेमिशेस थे जो भी मेरी इम्परफेक्शन थी वो सारे जो है कवर्ड हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रही है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे मैंने मेकअप नहीं किया है आप दोनों एरिया में डिफरेंस देख पा रहे हो।
सो यही है पावर ऑफ द मेकअप. सो दिस इज इट गाइज. आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छा लगा है. मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप. ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑल्सो अगर आपके माइंड में और भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी ओपिनियन आप मुझे शेयर करना चाहते हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज देख रहे हो, आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज देखना है, then please do subscribe my channel, जो कि totally free है. उसके लिए आपको क्लिक करनी पड़ेगी नीचे की red subscription button में, उसके ही बगल में टिंग टिंग वाली छोटू सा बेल आइकन आएगी, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, so that मैं जब भी नए videos अपलोड करूँगी उन सारे videos की जो notification है पहले आपके पास पहुँच जाएगी. So friends, आज की video मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ. फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ मैं मेरे next video में. तब तक के लिए bye bye friends, love you all.